हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक ऑनलाइन गुरु की तरफ से करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस जो डेली सुबह होती है 6:30 बजे। कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट कल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डील करने वाले हैं, तो खैर परेशान मत होइएगा, पूरी तैयारी और पूरी ताकत से स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखना हमेशा, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार न मान लो। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो है, अगर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर की बात की जाए, जिसको APCT आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़ में भी अभी सबसे ऊंचा इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे पहला अगर बोला जाए तो सबसे पहला जो है नोएडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा, सबसे पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर, ठीक है, इसको एक याद रखना है आपको। और सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ये होता क्या है? ये एक तरीके का ऑब्जर्वर लगा होता है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और इसको ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या करता है, प्योरीफाई करता है जो भी पूरे वातावरण के जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। और सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख लेना है कि ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला है, ध्यान रखिएगा। अगर इंडिया का सबसे पहला बोला जाए कि APTC या फिर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर, ये सबसे पहला कहाँ पे लगाया गया, तो सबसे पहले दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जा चुका है ये अगस्त 2021 में, राइट। और दूसरी चीज़ की बात की जाए, सबसे ऊंचा APTC कहाँ पे अभी हाल ही में इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो ये भी हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया था चंडीगढ़ में, ये तो आपको याद ही होगा। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वजह से हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, और नींव रखने कौन आया था, मतलब कि किसको कहाँ पे स्थापित किया गया था गोरखपुर में, और आयुष ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे स्टार्ट की जा रही थी गोरखपुर में, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए थे इसके मतलब स्टार्टिंग के लिए। और बात कर लीजिए लखनऊ की बात की जाए, तो सबसे पहला अगर हेल्थ ATM की बात की जाए तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था, और लखनऊ क्या है, कैपिटल है UP की। एंड एक और बात कर लीजिए, तो किस नदी के किनारे है, ये आप कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर करके बता दीजिए। और दूसरी बात बात कीजिए कानपुर जो है, जो कि लेदर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता भी है, कानपुर की बात कीजिए, कानपुर देहात और कानपुर वाला नगर वाला एरिया है, ठीक है, तो इन दोनों एरियाज़ की बात कर लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेदर के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, और लेदर की ही बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला लेदर पार्क जो है इसको स्थापित किया गया, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूपी से, यूपी के सहारनपुर में सबसे पहला जो है मास्क ATM की बात की जाए तो ये सहारनपुर में स्टार्ट किया गया था, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। और कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे अगर मुजफ्फरनगर की बात करी जाए तो मुजफ्फरनगर जो है ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के लिस्ट में आया था अभी हाल ही में, जो कि मैंने बताया था आपको। और ये तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात हो गई, अगर सबसे पॉल्यूटेड देश की बात की जाए तो वो आया था आपका बांग्लादेश, और अगर पॉल्यूटेड सिटी में ही देखा जाए तो विश्व स्तर पे यानी कि यूनिवर्सल लेवल पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी थी, होटन शहर था, जो कि चाइना के झिनजियांग प्रांत में पड़ता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ओके। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है पहला क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, APTC टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नोएडा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के 3 जिलों को हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, तो देखिए ये जो है अशांत क्षेत्र अभी घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अभी कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएँ सामने आई थी, और जो उग्रवादी ग्रुप हैं इनसे देखा गया कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गतिविधियां दिखाई दे रही थी इनकी, तो इस वजह से यहाँ पे सेना को उग्रवादियों को डायरेक्ट गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है, तो ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। और सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये आपसपा का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है टाइम पीरियड, क्यों बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, इसको आप लोग ध्यान में रख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने इसको अरुणाचल प्रदेश को देखिए बढ़ाया है, कौन सा आपसपा का मतलब क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट, इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे, क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट, जिसमें कि आर्म फोर्सेस को यानी आर्मी को इतनी पावर दी जाती है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को भी अगर शक के बिना पे उसको गोली भी मार सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से एरियाज हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है 31 मार्च 2022 को यानी कि 2022 तक यानी अगले साल तक क्या है यहाँ पे अभी आपसपा लगा रहेगा, और 1 अक्टूबर 2021 से ही स्टार्ट भी हुआ था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो कि 7 सिस्टर्स का एक पार्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, ये आप लोकेशन देख सकते हैं जिसपे कि चाइना भी अक्सर क्लेम करता है। और अगर बात कर लीजिए सबसे पहले सूरज भारत में कहाँ उगता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। और दूसरी चीज़ हम लोग बात क्या कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करके, तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे अगर बात की जाए यहाँ के CM की, तो CM यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग एज के CM जो हैं पेमा खांडू, ये यहीं के क्या हैं इस समय के
चीफ मिनिस्टर हैं, ये आप रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की बात की जाए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड और सारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसे क्या कहते हैं, अर रेनम जनजाति, ए डबल आर एंड आर आई एन ए एम। देखिए अर रेनम जो जनजाति है यानी ट्राइबल्स है, इसको क्या है, आइसोलेटेड जनजाति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक टाइम के लिए, मतलब साल भर में एक टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, यानी अपने आप को एक तरीके से लॉकडाउन कर लेती है, कोई इसे देख ना पाए इस वजह से कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जैसे चींटियाँ करती हैं वो सारी चीज़ें। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि सेवन सिस्टर्स के उन राज्यों में इसका नाम आता है जहाँ पे आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये चार जो एरियाज़ पड़ते हैं आपके, इधर से बेल्ट के पूरे आ जाते हैं, ये क्या है म्यांमार से क्या है बाउंड्री शेयर करते हैं। इस वजह से यहाँ पे इनर लाइन परमिट यानी कि अंदर आने के लिए किसी को परमिशन लेनी पड़ेगी, इसकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए दिया गया है स्पेशल, मतलब जो भी स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। दूसरी चीज़ यहीं पे आ जाता है AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और फिर से मिजोरम। देखिए ये कौन से एरियाज़ हैं, ये चार स्टेट्स वो हैं जहाँ पे सिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए पूरे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो टोटल आपके 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियों में पाँचवीं अनुसूची जो आती है, पाँचवीं अनुसूची बताती है यानी फिफ्थ शेड्यूल जो बताता है शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए, और शेड्यूल ट्राइबल्स। बट अगर इन चारों एरियाज़ की बात करें तो इन चारों एरियाज़ में किस तरीके से इसमें सिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया जाता है, जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। असम में, असम की बात कर लीजिए, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की, ठीक है। तो असम तो आपको पता ही हो गया, सेवन सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा चुका है तो उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। मेघालय क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, गारो खासी जयंतिया के लिए, और असम में अभी हाल ही में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और अभी मटक समुदाय और बहुत सारे मतलब चुटिया जनजाति और बहुत सारी जनजातियां हैं, छह जनजातियां अभी फिर से विरोध कर रही हैं, हेमंता बिस्व शर्मा जो कि वहां के सीएम हैं वो इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको भी सिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, इनको भी स्पेशल राइट चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, याद रखते रहेंगे। और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सेना को तो ये ऑर्डर दे दिया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम हो चुकी हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, किस राज्य के चिन्नौर चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। तो GI टैग तो आपको पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, GI का मतलब ग्लोबल इंडिकेशन, और ग्लोबल इंडिकेशन की बात कर ली जाए तो कौन कौन सी चीज़ों में ग्लोबल इंडिकेशन दिया जाता है, तो अभी पहले जान लेते हैं। चिन्नौर चावल जो है ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। ओके, और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं यहाँ से, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट जो ज़िला है वहाँ से ये चिन्नौर धान या चिन्नौर चावल आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और यहाँ से इसको दिया गया GI टैग। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या है, CM कौन है यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार भी जताया है कि ये सारी चीज़ें हो सकें। अब कुछ चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश से और GI टैग से। तो GI टैग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का अभी एक बैट था, कौन सा, विलो क्रिकेट बैट, और विलो क्रिकेट बैट को क्या किया गया अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था, राइट। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे गुच्छी मशरूम जो है, गुच्छी मशरूम को भी अभी यहीं पे क्या दिया गया था, GI टैग प्रदान किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखते रहेंगे। और कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं, राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ की अभी सोजत मेहंदी जो थी इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। और अगली बात की जाए बिहार की, तो बिहार का क्या है, जर्दालू आम, एंड दूसरी चीज़ क्या है, शाही लीची, जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे बिहार की जो GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं। और कौन कौन से जगह के कौन कौन से GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें और अच्छे वीडियो हो सकें, ठीक है। और सारी इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, अगर हम लोग GI टैग की बात की जाए तो 2004 में स्टार्टिंग होती है GI टैग प्रोवाइड करने की, और सबसे पहले किसका है, जो दार्जिलिंग की चाय है यानी कि टी जो है इसको सबसे पहले GI टैग प्रदान किया गया था, तो ये आप ध्यान रखते रहेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, कुछ सारी चीज़ें मध्य प्रदेश आपके सामने पहले मैप में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और मध्य प्रदेश ये आ गया आपके सामने, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के CM की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जो कि अभी हाल ही में आए हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बालाघाट की बात की गई जहाँ से ये चावल इंपॉर्टेंट है, तो बालाघाट जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र जो है ये पड़ता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, ठीक है, भोपाल के बारे में आपको पता ही होगा। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं,
बहुत सारी चीज़ें तो बता ही चुका था मैं, लेकिन अभी 2008 की बात की जाए तो यहाँ का झाबुआ एक एरिया पड़ता है, और झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है उसको भी 2018 में GI टैग प्रदान किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो जाती हैं उसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए ये जो एरिया पड़ता है आपका छतरपुर वाला एरिया, इसमें बक्सवाहा के जंगल होते हैं, जंगल हैं जिनमें कि हीरे की खान, जो कि पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे की खान पाई जाती है मध्य प्रदेश में, आपको पता ही है। और अगर बात की जाए उससे भी ज़्यादा मतलब संभावना है कि छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे हीरे पाए जाने की संभावना थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस चीज़ का राइट दे दिया, अभी रिलायंस ग्रुप के जो माइनिंग ग्रुप है, रिलायंस जो कंपनी उसका जो माइनिंग ग्रुप है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि यहाँ पे खुदाई करके क्या करें, हीरे को निकालने की कोशिश करें। हालांकि उनका ये कहना है कि जितने एरियाज में पेड़ काटे जाएंगे उतने पेड़ भी लगाए देंगे। खैर आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप लोग, जैसे कि अगर बात की जाए इंदौर की, तो अभी हाल ही में जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ था उसमें सूरत और इंदौर ये दोनों जो हैं टॉप पे आए थे, एक चीज़ आप ये रिलेट कर सकते हो। और सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो वो भी अभी इंदौर ही आया था मध्य प्रदेश का, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बैतूल ज़िले की बात की जाए तो सोलर ऊर्जा पर आधारित पहला जो एरिया पड़ता है, गांव पड़ता है यहाँ का बैतूल का, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इधर का एरिया पड़ जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता था आप लोग को कि अभी हाल ही में एक और चीज प्रोडक्ट को जो है GI टैग दिया गया था, जो कि नागालैंड से था, कौन सा, नागा खीरा, क्योंकि मैंने अभी आपको वो भी पढ़ाया था, कौन सा, अभी आपको सेवन सिस्टर्स भी पढ़ाया था, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं देखनी। ओके, और सारी चीज़ें क्या क्या हैं आप लोग देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB बैंक कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। फुल फॉर्म की बात करें तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि इसका फुल फॉर्म है। और दूसरी चीज़ की बात की जाए तो इसने किस मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में सपोर्ट किया है, तो ये किया है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट को। चेन्नई जो कि कहाँ पे पड़ती है, किसके कैपिटल है, ये आप लोग मेंशन कर दीजिए तुरंत कमेंट सेक्शन में। खैर मैं तो अभी बताऊंगा ये, तो आप लोग तुरंत आंसर करना मत भूलिएगा। ये क्या है, 356 यानी कि $356.67 मिलियन के ऋण को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। और इस मेट्रो की बात की जाए तो ये कहाँ से, सबसे पहले तो AIIB की बात कर लेते हैं, यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि 16 जनवरी 2016 को स्थापित किया गया था। कब, 16 जनवरी 2016 में अभी ये स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो उसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है व्यापार के लिए स्टार्ट किया गया था, और बीजिंग में, यानी चाइना का जो बीजिंग वाला एरिया है जो कि इसकी कैपिटल है, वहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चीन में पड़ता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो 103 इसके सदस्य हैं, ये आप ध्यान रखते रहेंगे। और एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, या फिर अगर बात की जाए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और क्या है, अभी विस्तार के लिए इतने करोड़ डॉलर की जो है, अभी करोड़ डॉलर आपने बोला और मिलियन डॉलर, दोनों को आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कितने की बात की गई है, इस तरीके से आप लोग जान सकते हो, ठीक है। तो चेन्नई के एरियाज़ हैं, चेन्नई को डेवलप किया जाएगा, यानी कि किसकी कैपिटल, तमिलनाडु के कैपिटल, राइट, ठीक है। और सारी चीज़ों की बात की जाए, ये अभी चरण दो के हिस्से में इसे नए गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, इसी के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब और सारी चीज़ें क्या हम रिलेट कर सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं, और रिलेट करने के क्रम में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो इस एरिया को जो तमिलनाडु का एरिया, तो तमिलनाडु हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इधर का जो एरिया आप देख सकते हो, इधर के एरियाज़ को मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ सही से, इधर का एरिया जो है ये क्या है, पाक स्टेट आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसको। अभी अगर बात की जाए पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य भी जिसको बोलते हैं, ये जो एरिया आ जाता है आपका, ये पाक स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एरिया की बात की जाए और गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी की बात की जाए, इन दोनों एरिया में डुडोंग जो कि समुद्री गाय जिसको बोलते हैं, इस एरिया में डुडोंग के जो है कंजर्वेशन रिजर्व को बनाने की बात की गई थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात की जाए कि डेनमार्क जो कि नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर में अपना ऊर्जा द्वीप बनाने की शुरुआत कर चुका था और यूरोप को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसके साथ डील की गई कि ये जो मन्नार की खाड़ी वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या है, ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी जो आइसलैंड होता है इसको आर्टिफिशियली बनाने की बात की जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ये डील किया गया किसके साथ, डेनमार्क के साथ। और तमिलनाडु की ही बात की जाए तो तमिलनाडु, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब देखिए सबसे पहले क्या है, कृषि कानून का विरोध किया था, और तमिलनाडु की जो MK स्टालिन सरकार है जो कि DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से है, इसने भी अभी हाल ही में विरोध अपना दर्ज करा दिया गया है, जो कि 3 कृषि कानून पारित हुए थे, ये आप रिलेट कर सकते हो। और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। वेल, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले और सारे जो भी हमारे मतलब मैक्सिमम ऑप्शन हैं उनको भी डील कर लेते हैं।
जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे AIIB बैंक की है, ठीक है, AIIB बैंक तो आपने देख ही लिया, कुछ और बैंक्स के नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी आप लोग जान लीजिए, ये क्या है, जिसको कि ब्रिक डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ब्रिक यानी कि ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और ADB की बात की जाए तो इसकी जो हेडक्वार्टर है ये मनीला में है, फिलीपींस में, जो कि ठीक है। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, सॉरी, ये ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी मनीला में फिलीपींस में है। और दूसरी चीज़ की बात की जाए, ब्रिक डेवलपमेंट बैंक ये नहीं है, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको बोलते हैं ब्रिक डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, शंघाई कहाँ पे है, चाइना में, ये आप ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है, यानी ब्रिक्स के देशों का। अब बताइएगा आप लोग ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, पाँचों देश कौन कौन से हैं, इसका नाम आप लोग बताएंगे, ओके। और सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, ये मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे याद रखने की बात है, AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो है व्यापार के लिए स्टार्ट किया गया था 16 जनवरी 2016, हेडक्वार्टर बीजिंग में है और प्रेजेंट टाइम में 103 सदस्य इसके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास जो है इसको हाल ही में स्टार्ट किया गया। मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किन दोनों देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्टार्ट होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मित्र शक्ति के साथ ही और सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई, ठीक है। और अभी मैंने आपको तमिलनाडु पढ़ाया, तो तमिलनाडु से रिलेट करके और सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे क्या है, विदेश सचिव हैं, वो यहाँ ये जो जापना वाला पोर्शन है जो कि लिट्टे, कौन सा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी श्रीलंका में, और अभी जा करके इस आतंकवादी गुट को जो ख़त्म भी किया जा सका है, लेकिन इसको जान लेंगे कि जाफना सबसे ज़्यादा प्रभावित था जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी, और यहाँ पे दौरा करने के लिए हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं विदेश सचिव वो गए हुए थे 4 दिन के दौरे पे, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। और क्या क्या, श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका अभी जो है खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी से जूझ रहा है। दो चीज़ें आप रिलेट करेंगे यहाँ पे कौन से है, गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे। अगर गोटाबाया राजपक्षे की बात की जाए, ये कौन से, ये राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे, श्रीलंका में। और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो कौन से हैं, महिंदा राजपक्षे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ओके। और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं यहाँ से श्रीलंका से, तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज तो होती ही है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज किसके किसके साथ होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, जानते रहेंगे। और दो चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, कौन कौन से पोर्ट जो हैं, कौन कौन से जो हैं इसके कैपिटल्स हैं, तो कोलंबो की बात की जाए तो ये इसका कॉमर्शियल कैपिटल है, और दूसरी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे की बात की जाए तो ये इसका क्या है, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, तो दोनों को आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो एरिया है वो कच्चा तीवो पोर्ट है। कच्चा तीवो पोर्ट जो है 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था, तो इस वजह से ये अभी प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि रिटेन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया था उस समय, तो इस वजह से ये प्रेजेंट टाइम में आपस में दोनों देश के बीच विवाद का मुद्दा है, क्योंकि इधर से जब भी नाविक उधर जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है वहाँ के सेनाओं के द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं। तो श्रीलंका आप रिलेट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ जा रहा है, किस संस्थान के द्वारा भारत में पहली बार कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया गया। देखिए कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया की अगर बात करें तो आइज़ का ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, और आइज़ में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉर्निया पोर्शन की बात करें तो ये जो आगे जी जो झिल्ली के टाइप का जो संरचना होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। और जब डोनेट किया जाता है, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा आई का जो पार्ट है यानी आँख का कौन सा पार्ट है जिसको डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया का। इसी का एक और ऑप्शन जो क्रिएट कर लिया गया किसके द्वारा, IIT हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ, ठीक है, खोज के नहीं बताना है, याद रखना है जिसको जिसको याद होगा, ओके। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने से पहले इसके बारे में थोड़ी और चीज़ जान लेते हैं। हैदराबाद की बात की जाए तो ये क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है, आप लोग से डायरेक्टली तो जुड़ नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी। और जब 2014 में यानी हाल ही में 2014 अभी बीते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सबसे लास्टली बना हुआ जो राज्य जो है तेलंगाना ही है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जब डिवाइडेशन हुआ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि राजधानियाँ कैसे बांट दी जाए। तो हैदराबाद जो है ये एरिया किस में चला गया था, ये चला गया था तेलंगाना के पोर्शन में।
ठीक है। और तो फिर यहाँ पे जो है तीन राजधानियाँ कर दी गई थी आंध्र प्रदेश की, और ये तीन राजधानियाँ क्या हैं ये आपको तीनों को आपको मेंशन करना है। ये तीनों मैं चाहूँगा कि आपके भरोसे पे रहे क्योंकि आपको पूरी तरह से ये याद हो चुका है, ठीक है। और सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट आपके सामने ये हो जाता है, जैसे और सारे IITs, जैसे IIT दिल्ली की बात की जाए तो 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले जो डेवलप की गई थी मशीन, वो यंत्र किसके द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत अभी IIT मुंबई ने की थी। और IIT बंगलुरु की बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग अभी हाल ही में जारी है उसमें इंडिया की तरफ से टॉप पे था, वर्ल्ड लेवल पे तो ऑक्सफोर्ड टॉप पे था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं, इसका आंसर IIT हैदराबाद है, बोलना मत, ओके ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। देखिए क्या है, ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड जो है ये बहुत ही बड़ा सम्मान होता है, और अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया तो बात की जाए दीपिका पादुकोण को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, और ये पहली अभिनेत्री बन गई हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री से पहला कोई इंसान जिनको कि इसमें शामिल किया गया है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको चौंका देने वाली चीज़ क्या है, ये आप देखिएगा कि ये जो है अवार्ड को जीतने वाली पहली फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र कलाकार बन गई हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो है फैन फॉलोइंग तो दुनिया भर में ही है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी की बात की जाए तो ओबामा, जेफ बेजोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पता ही है आप लोगों को कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया, 3000 से ज़्यादा प्रभावशाली सेलेब्स को इसमें नामांकन को प्राप्त किया गया है। और तो जान सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि भारत ने भी पाई है और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा इन्होंने भी कैसा पाया है, ठीक है। और सारी चीज़ों को हम लोग रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बात कर ली जाए तो प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अनफिनिश्ड इनकी एक बुक आई थी, अनफिनिश्ड, ठीक है। अनफिनिश्ड बुक क्या है, ये जो USA की बात की जाए तो USA में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और कौन सी चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्या है, ओके। और दूसरा ऑप्शन जो, और सारे ऑप्शंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम इसको हाल ही में डील करने वाले हैं, कंगना रनौत वाले क्वेश्चन को, तो हम लोग अभी देख लेते हैं इसको आगे, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ठीक है। हाँ, कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो खैर उत्तर प्रदेश की जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना का मतलब क्या है, ODOP योजना जिसको बोलते हैं, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ब्रांड एम्बेसडर इसका अभी हाल ही में बना दिया गया, किसे, कंगना रनौत को, ठीक है। मैंने कहा था ना अगले क्वेश्चन में हम डील करेंगे, तो खैर कंगना रनौत को क्या बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर ODOP, जो यानी कि एक जिला एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के साथ ही इनको तो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और इसको और ज़्यादा सही से हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मतलब आवास पर बुला करके उनसे मुलाकात की और गिफ्ट हैम्पर भी दिया था, जो कि आप देख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ODOP के तहत क्या है, एक एक एरियाज़ को ऐसा बांट दिया जाएगा कि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। जैसे कि बात की जाए, अभी आपने सुना था बनाना फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया था, यानी बनाना महोत्सव, किला महोत्सव जिसको बोला जाता है, ये मनाया गया था आपका कुशीनगर में, तो ये आप देख सकते हैं कुशीनगर कौन सा, गोरखपुर के पास वाला एरिया पड़ जाता है, तो इसको आप लोग रिलेट कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अभी जो है लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया था, तो इसी तरीके से अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक और स्कीम आई है हरियाणा गवर्नमेंट की, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट नाम से ये स्कीम चलाई गई, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं, वहाँ पे ब्लॉक को जो है यूनिट माना गया है, तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट करके इसको जो स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था, हरियाणा में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ODOP और ऐसे भी याद रखिएगा, ODOP यानी कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट हरियाणा का है, और अगर ODOP की बात की जाए यानी एक जिला एक उत्पाद, तो ये कहाँ का है, यूपी का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और चीज़ की बात की जाए तो रणवीर सिंह, अभी मैंने आपको पढ़ाया था किस चीज़ की, रणवीर सिंह को बनाया गया NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इसको आप लोग देख सकते हैं 75 साल उसके पूरे होने वाले हैं, रणवीर सिंह के नहीं NBA के, ठीक है, तो उसको किया गया। और अभी पंकज त्रिपाठी की बात की जाए तो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो है इनका जो फिकर नॉट एक अभियान चल रहा है, फिकर नॉट नाम का इनका जो प्रोडक्ट जो एक मतलब स्टार्टिंग हुई है, तो फिकर नॉट का क्या बनाया गया इन्हें फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। कंगना रनौत याद रखिएगा कौन सा, ODOP, ओके। सोनू सूद आपको पता ही है, बहुत बार बता चुका हूँ, आप बताएंगे किसका इनको ब्रांड एम्बेसडर और स्टेट आइकन कहाँ का बनाया गया है, ठीक है, ये बताएंगे, ठीक है। मेंटर प्रोग्राम किस राज्य का मेंटर प्रोग्राम चला था जिसमें कि सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, राइट। अगले क्वेश्चन की बात आप आंसर करेंगे इसका, मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ 2022 के अंत तक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया। तो चार ऑप्शन आपके सामने, और आंसर की बात ये मैंने आपको बताया भी था, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी मीटिंग हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा जो है मीटिंग करके ये मतलब 2022 के अंत तक किया जाएगा, ऐसा डील भी हो चुका है, ओके।
ऑस्ट्रेलिया हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ब्रिटेन भी हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हमारे भी साथ ऐसा डील कुछ भी हो जाए भारत का, लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जब मीटिंग होगी तो फिर, ठीक है। तो अभी हमारा जो आगे जो भी प्रोग्राम फंक्शंस होने वाले हैं, तो खैर हो सकता है कि बोरिस जॉनसन भी आएँ। खैर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, खैर जब FTA साइन होगा तो यहाँ पे सीमा शुल्क और टैक्सेस जो हैं कम लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे। और कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये आप एरिया देख सकते हैं इधर वाला कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो प्रेजेंट टाइम में चर्चा में था। क्यों प्रेजेंट टाइम चर्चा में था, क्योंकि ये जो है पॉल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रहा था। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, अभी अमेरिका ने एक नया संगठन बनाया है AUKUS ऑकस जिसको बोल रहे हैं, जिससे फ्रांस खासा नाराज है। EU का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, UK यानी कि ब्रिटेन इसमें शामिल है, और US का मतलब USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें शामिल है। तो इस वजह से इसमें जो है परमाणु शक्ति भी दी गई है, और स्ट्रेटजी एक देखी जा रही है किसके बीच में, इन तीनों देशों के बीच में। जैसे कि क्वाड का एक ग्रुप बना है, वैसे ऑकस का एक ग्रुप बना है, तो ये सारे ग्रुप के बारे में आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और बात कर लिया जाए ये जो समझौता हुआ है, कौन सा समझौता हुआ है, ये समझौता जो अभी FTA की बात की जाए, तो WTO की बात करते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है मैं चाहूँगा आप मेंशन करो तुरंत, ठीक है। और WTO की बात की जाए यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो एक आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल 24 में ये बोला गया कि FTA के लिए किन किन बेसिस पे साइन किया जा सकता है, तो इसी को बेस बना करके क्या है साइन किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। और कौन सी चीज़ है, यहीं पे ये एक एरिया होता है तस्मानिया का, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये बास स्टेट है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछते बास स्टेट किन दो देशों के बीच, मतलब जैसे पाक स्टेट है ना, किसके किसके बीच, भारत श्रीलंका के बीच, तो ये जो बास स्टेट है ये किन दो देशों को साझा करता है या फिर दो देशों के से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ और याद रखेंगे, एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, तो एक्सरसाइजेस में यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अभी हाल ही में ऑस्टिन डेक्स एक्सरसाइज किसके साथ हुई, ऑस्ट्रेलिया के ही साथ हुई, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टिन डेक्स क्योंकि श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज हुआ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑस्टिन डेक्स का मतलब क्या है, AUS यानी ऑस्ट्रेलिया, IND यानी इंडिया, EX यानी कि एक्सरसाइज, एक चीज़ ये हो जाता है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है हमारे लिए, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो भी हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है, अभी एक और मालाबार एक्सरसाइज जो हुआ था जो कि क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है, मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड कंट्रीज चार देश हैं, कौन कौन से, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, और इन देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के जहाज भी इसमें शामिल हुए थे, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जाने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बीच में पहल शामिल किया, कौन सा, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया ने SCRI पहल, यानी कि सप्लाई चेन रेजिडेंस इंडेक्स की बात की जाए, तो ये जो है अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, किस राज्य में पहली बार ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना को हाल ही में प्रारंभ किया गया, तो ये जो है अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया तेलंगाना की में, मतलब स्टार्ट किया गया, तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे। तेलंगाना की गवर्नमेंट में देखिए बहुत सारे ड्रोन आधारित चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि अभी हमको ज़रूरी भी है कि हम लोग क्या हैं टेक्नोलॉजी से अपने आप को रिलेट करें, टेक्नोलॉजी को जानते रहें। तो तेलंगाना गवर्नमेंट याद रखेंगे, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, मैंने बताया ही था। हैदराबाद किस नदी के किनारे अगर बसा हुआ है, ये आपसे अगर कोई पूछे तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, एक चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हो। और हैदराबाद तेलंगाना की क्या बात कर सकते हैं, तेलंगाना का जो हैदराबाद है, ठीक है, CM कौन है, तो चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल तमिलसाई सौंदराजन है, ठीक है। और इसमें किया क्या जाएगा, देखिए जो ड्रोन की बात की गई है, तो ये जो ड्रोन करेगा क्या, मान लीजिए ये अगर ड्रोन है, ठीक है, ये अगर उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें सीट्स लगा दिए जाएंगे जो कि उड़ता हुआ जाएगा, और यहाँ से सीट्स जो हैं ये ऐसे गिरते हुए जाएंगे, तो इससे सीट्स जो हैं क्या करेगा, इससे बाद में जो एरियाज़ बचे हुए रहेंगे, जो एरियाज़ जहाँ पे मतलब कि उगाने की बात की जाती है, जो भी चीज़ें पेड़ वेड़ की, जंगल लगाने की, इससे स्टार्टिंग की जाएगी, तो आप ड्रोन के तरीके से ये देख सकते हैं। खैर अगर बात कर लीजिए सीट कॉप्टर, इसको नाम दिया गया है, तो नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगर नाम की बात करी जाए तो सीट कॉप्टर, जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, वैसे सीट कॉप्टर, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। ये नाम अगर आपसे पूछे कि सीट कॉप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लेके आया, किस मतलब स्टेट में आया है, तो ये आप लोग तेलंगाना हैदराबाद याद रखिएगा, ठीक है। और किस पार्क से स्टार्ट किया गया, तो यहाँ का एक पार्क है KBR पार्क, और इसी KBR पार्क से जो है इसको स्टार्टिंग की गई है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और कौन सी चीज़ें हम लोग इंपॉर्टेंट है जिसको रिलेट कर सकते हैं, इसमें जो है तेलंगाना में टोटल 33 जिले हैं, और टोटल 33 जिलों में पूरे जो एरिया है लगभग 50 लाख पेड़ लगाने का क्या है
अभी हाल ही में टारगेट रखा गया कि 50 लाख पेड़ ऐसे लगा लिया जाए ताकि प्रॉब्लम ना होने पाए आगे जा कर के। अभी देखिए इसी से रिलेटेड तेलंगाना में एक स्टार्टिंग की गई थी। क्या स्टार्टिंग की गई थी यहाँ पे? स्टार्टिंग की गई थी जो मेडिसिन फ्रॉम स्काई का योजना चला था, यानी कि आकाश से मेडिसिन को भेजना, उन जगहों पे मेडिसिन भेजना जहाँ पे ले जाने में मेडिसिन प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको भी ड्रोन के माध्यम से भेजा गया था। तो ये भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं तेलंगाना से। ओके, और कौन सी चीज़ें की बात की जाए तो अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है लिस्ट जारी हुई थी, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर ली जाए तो इसमें जो है अभी तक तो 38 क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में, लेकिन 39 हेरिटेज साइट की बात की जाए तो ये कौन सा, तेलंगाना का ही रामप्पा मंदिर बना, ठीक है। और दूसरी चीज़ की बात करी जाए, ये रामप्पा मंदिर है यहाँ के जो प्रधान वो जो क्या बोलते हैं मजदूर जो थे मिस्त्री थे उनके नाम पे रखा हुआ था, तो ये आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। ये 39 है। और 40वीं की बात की जाए तो इसी के साथ 40वीं बना दिया गया, जो कि कहाँ का है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा आपका पड़ता है गुजरात में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों का एक बार क्विक रिवीजन कर लें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्टिंग से हम लोग एक बार देखते चलते हैं क्या क्या हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिया, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट एक एक बार में हम लोग रिलेट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो नोएडा में स्थापित किया जाएगा। दूसरी चीज़, किस राज्य के 3 जिलों को हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले, और जो 2 थाना क्षेत्र हैं उसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ की बात कीजिए, किस राज्य के चिन्नौर चावल को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के एरिया का जो मतलब एरिया था मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, कौन सा? बालासोर जिला है, तो यह ध्यान बालाघाट जिला है, यह ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, AIIB बैंक के द्वारा किस मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए 356.67 यानी कि 356.67 मिलियन डॉलर के रेट को मंजूरी दी गई? तो ये कहाँ पे है? चेन्नई में है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। और कौन सी चीज़ें हमारी आ जाती हैं? अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के मध्य हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया? श्रीलंका के बीच में। अगला आ जाता है आपका, पहली बार कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प यानी कि दूसरे तरीके से जो इसको स्टार्ट करने की बात की गई, तो ये जो है IIT हैदराबाद के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण है। और अगला जो है आपके सामने आ जाता है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये आपको पता ही है, कंगना रनौत को बनाया गया, ये भी आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, क्या है ये जो भारत और किस देश के साथ 2022 के अंत तक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये आप रिलेट करो। और अगला जो है आपका आ जाता है, किस राज्य में पहली बार ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना जो है इसको हाल ही में प्रारंभ किया गया? तो तेलंगाना से स्टार्ट किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं चला गया हूँ। हाँ, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद आपको फिर से ये सारे वीडियोस जिस तरीके से मिलते हैं उसी तरीके से मिलेंगे, तो इससे आपको प्रॉब्लम लेने की किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद है आप सब पूरी तरीके से स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, और मैं फिर मिलूँगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे यूनिक ऑनलाइन गुरु के मंच से। जय हिंद, भारत माता की जय। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। जय हिंद।